हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के इंट्रोडक्टरी और कंसेप्ट क्लियरिंग वाले वीडियोस भी किए हैं। यू कैन गो एंड वॉच इन अवर चैनल कॉल्ड केडी शिवम। ओके, या तो शिवम एजुकेशन करेंगे आप तभी भी आपको चैनल खुल जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो 18.3 का ऑलरेडी जो वीडियो है कंसेप्ट वाला, उसमें तो देख ही लेना। अभी भी वो बता देता हूं, इसमें एक ही कंसेप्ट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री वाला, राइट, 90 माइनस थीटा वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, वाइज वर्स आएगा। ओके, तो खाली आपको इतना ही याद रखना है। द बेस्ट थिंग यू टू रिमेंबर इज, जब भी कोई सम दिया हो, साइन कॉस दिया है, तो कोई एक को चेंज करना है। बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं, दोनों चेंज करके बैठते हैं तो वापस वही के वही पोजिशन पे आ जाते हैं और दे कीप ऑन कन्फ्यूजिंग। तो कोई एक को चेंज करो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, साइन 18 अपॉन कॉस 72, हम क्या करेंगे, पहले तो साइन 18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72, राइट, दिस इज अरिथमेटिक। 18 को आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, और cos 72 ऐसे लिख देते हैं। नाउ sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 72 अपॉन cos 72, राइट, दिस विल गेट कट योर आंसर 1। बस यही करना है आपको, राइट। यहाँ भी देखिए tan 26, tan 90 माइनस 64, राइट, एरिथमेटिक पहले तो, दैट इज cos 64 वैसे लेने दो, दिस विल गेट tan 64 अपॉन cos 64 इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्या है, cos 48 माइनस sin 42। अब यहां देखिए यार, cos को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 42, राइट, एक को चेंज किया और दूसरे को वैसे ही रहने दो, sin 42। तो 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, sin 42 माइनस sin 42 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज दी सम। और फोर्थ देखिए, कॉसेक 31 माइनस, यार कॉसेक एक अरिथमेटिक, 90 माइनस 59, राइट, दैट इज 31 माइनस सेक 59 ऐसे लिख देना है। तो दिस विल गेट सेक 59 माइनस सेक 59, दैट इज ये दोनों कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट, वेरी इजी सम्स, आपको खाली एक को कन्वर्ट करना है, राइट। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। एलएचएस लिख देते हैं, अब ये सब में क्या करना है बताता हूं। टोटल 90 कौन सी दो जोड़ी का होता है, पैर का होता है, देखिए 48 प्लस 42 90, 23 प्लस 67 90, मतलब ये दोनों पैर हैं और ये दोनों पैर हैं। जब मैंने बताया पैर, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट ओनली वन, ये दोनों में से एक, ये दोनों में से एक, तो पहले दो को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan अरिथमेटिक बनाना है, 90 माइनस 42, राइट, 48 को ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा है tan 90 माइनस 67, और बाकी दो को वैसे ही रहने दो, tan 42 और tan 67। ओके, अच्छा ये क्या हो जाएगा सर, cot 42 और ये हो जाएगा cot 67, tan 42 और tan 67। अब देखिए cot 42, cot 67, tan 42, tan 67, आपको मालूम है कि cot 42, tan 42 1 होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बताना है तो ऐसा है, cot 42 कैसे लिख सकता हूँ, tan 42, tan 67, tan 42 और tan 67, कट हो गया, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू RHS, राइट, ये आपका प्रूफ। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो LHS लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए cos 38, cos 52, sin 38, sin 52, राइट, ओके, ये सब में क्या करेंगे, cos 38, cos 52, sin 38, sin 52, दोनों में से एक को ले लो, या तो cos को करो या तो sin को। तो एक काम करते हैं, हम लोग पूरे cos को यूज करते हैं, तो cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस
38, that is same sum, right? Is minus sin 38 sin 52. अच्छा ये cos 52 क्या हो जाएगा? Sin 52, ये हो जाएगा sin 38 minus sin 38 sin 52. Same नहीं? Is equal to 0 RHS. Right? तो देखो cos और sin दोनों में से एक को convert किया तो आपको answer आ जाएगा 0. Okay? Now we are going to solve question number 3 and question number 4. Right? पहला वाला देखो, ये वाला सम कैसे करना है ये बता देता हूं. tan 2a is equal to cot a minus 18, ऐसा दिया है, राइट? दोनों में से एक को कन्वर्ट करो. कैसे? देखो मैं बताता हूं. tan, ये tan 2a कब आ सकता है? cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18, राइट? समझ पड़ा आपको? यहां पे देखो, ये वाला इस तरह कन्वर्ट करना है. tan 2a कब आया होगा? cot 90 minus 2a will give tan 2a. तो आप देखिए, ये cot cot हट गया. 90 minus 2a is equal to a minus 18. ओके? तो चलिए, अब ये क्या हो जाएगा? minus 2a minus a is equal to minus 18 minus 90. तो क्या आएगा? minus 3a is equal to 8 minus 108. minus minus cut हो जाएगा. Therefore, a is equal to minus 108 upon minus 3. ये हो जाएगा minus minus cut. 3 3 9 3 6 तो a is equal to 36. I hope you got it. इसी है, यहां आपको खाली दिए लॉजिक आपको से याद रखना है. ओके? बाकी सम बहुत इजी है, आपको सॉल्व करते आता होगा, राइट? ओनली दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट सम, tan a is equal to cot b, प्रूव दैट a plus b is equal to 90, राइट? तो यहां भी ऐसा ही करना है. देखिए, tan a is equal to cot b, राइट? अब tan a कब आया होगा? cot 90 minus a is equal to cot b, राइट? तो अभी देखिए, cot cot कट हो जाए, तो 90 minus a is equal to b, therefore 90 is equal to b plus a, therefore a plus b is equal to 90. प्रूव हो गया, राइट? दिस वे यू कैन प्रूव. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं. sec 4a is equal to cosec a minus 20. सेम वे अभी जो हमने किया था ना, फाइंड ए वैल्यू ऑफ a, वैसे ही, राइट? sec 4a is equal to cosec a minus 20. sec 4a कब आएगा? cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20, राइट सर? cosec cosec कट हो गया. 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20. इसको सॉल्व करते हैं. चलिए 4a को उस बाजू भेज देते हैं, राइट? दिस विल गिव 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a. a प्लस 4a कितना हो जाएगा? 5a. देयरफॉर 5a इज इक्वल टू 110. a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5. देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 टू द 10 1, 5, 2, 10. A is equal to 22. Right? This is your answer. Same way, question number 6 देखें. A, B and C are interior angle of triangle. Right? अब, interior angle, triangle ABC. फिर से ये, in triangle ABC. Right? A, B, C are interior angle लिखा है. तो A plus B plus C is equal to 180. Correct? इस बाजू क्या पूछा है? A दिया है. तो A को उस बाजू भेज दो. B plus C is equal to 180 minus A, right? Dividing by 2 on both the sides. Okay, कैसा आएगा dividing by 2? मतलब B plus C upon 2, 180 upon 2, A by 2. इस तरह divide करना है, right? अब B plus C by 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 180 upon 2 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. और माइनस ए बाय टू ऐसे ही रहेगा, राइट? अब मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड. अब यहां पे मैंने साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया? एलएचएस में साइन है, बराबर है? तो आपको देख रहा है साइन है. यहां पे अगर कॉस होता तो कॉस से मल्टीप्लाई करना है, साइन है तो साइन से. नाउ साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू साइन
90 माइनस ए बाई टू। अब देखिए ऑलमोस्ट LHS आ गया, लेकिन ये वाला फॉर्मूला में आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा सर? साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, इज इट प्रूव्ड? ओके, सो दिस वे यू कैन प्रूव दिस सम। ओके, दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको अच्छी तरह का प्रैक्टिस कर लेना, राइट? इजी है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। अभी देखिए जो गिवन एंगल है दे आर 67 एंड 75 विच आर ग्रेटर देन 45, राइट? सो वी नीड टू जस्ट कन्वर्ट, राइट? तो लेट अस सी, यार साइन 67 प्लस कॉस 75, राइट? ये साइन 67 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 67, 90 में से 67 गया तो 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15, राइट? ये हम लिख सकते हैं, इज इट राइट? देखिए साइन का मैंने खाली अरिथमेटिक, देखो वो सब में अलग कन्वर्शन था, ये सब में अलग कन्वर्शन, अरिथमेटिक किया है मैंने। 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 67। 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 75। नाउ साइन 90 माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉस 23 और ये हो जाएगा साइन 15। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? बस इतना ही लिखना है आपको, ये दोनों 45 के अंदर आ गए। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.3 एंड आई होप यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस। आप सम्स मेरे साथ करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक्सरसाइज के सम्स 3 times करो, एग्जाम्पल्स 2 times करो। इफ यू डू दिस यू विल स्कोर 100 out of 100, ये मेरा आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, राइट? तो प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। ओके, एंड कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। ओके, और बाय टिल द नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो।